आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में आज चुनाव आचार संहिता बेहद ही प्रभावशील दिखी है। रीवा की ट्रैफिक पुलिस आज आचार संहिता का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरी और शहर भर में चेकिंग लगाकर वाहनों में पदनाम लगाकर चलने वाले नेता से लेकर अधिकारी और मीडिया का रौब उतार फेंका है। ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ वाहनों से पदनाम की प्लेटें हटाई बल्कि काली फिल्म व हूटर लगाकर घूमने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यह कार्रवाई एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर आज ट्रैफिक डीएसपी मनोज शर्मा के नेतृत्व में ट्रैफिक प्रभारी हरिशंकर तिवारी, सूबेदार अखिलेश कुशवाहा और सुगम चतुर्वेदी ने स्टाफ के साथ मिलकर की है। डीएसपी मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि आचार संहिता को देखते हुए वाहनों में अनाधिकृत हूटर सायरन व पदनाम की प्लेट लगाकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया गया कि चेकिंग के दौरान दर्जन भर से अधिक वाहनों में पार्टी के झंडे, पदनाम, हूटर सायरन लगे मिले हैं। कार्रवाई के दौरान सभी नंबर प्लेटें जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाहनों में काली फिल्म लगाकर घूमने वालों पर भी कार्रवाई की गई है।